स्टूडेंट्स दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आई एस वॉरियर्स गईस आज हम वर्कशीट 86 करने वाले हैं और ये आपकी मंडे की वर्कशीट है देखिए आज आपको बहुत ही सिंपल वर्कशीट दी गई है स्टैटिक्स स्टैटिक्स का हम रिवीजन करने वाले हैं और जो वर्कशीट है काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग है और ये वर्कशीट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप चलते फिरते भी कर सकते हैं मतलब स्कूल से आते हुए जाते हुए आप फटाफट -फड़ से क्वेश्चन को समझ लेंगे और टिक द करेक्ट करके टीचर को भेज देंगे पहले आपको समझना ज़रूरी है देखिए आपको यहाँ पे एक बार ग्राफ नज़र आ रहा है ठीक है थोड़ा आपके लिए मैं जूम आउट कर देती हूँ यहाँ पे आपको बार ग्राफ नज़र आ रहा है और इस बार ग्राफ के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है अर अ हेल्थ केयर सर्वे रिगार्डिंग नंबर ऑफ हेल्दी पीपल इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप वॉज डन बाय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक सर्वे किया गया है ठीक है यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक सर्वे किया गया है पर्टिकुलर एज ग्रुप्स का यानी सम एज ग्रुप्स का सर्वे किया गया है वेलफेयर केयर बॉन्ड ऑफ दिल्ली दिल्ली में द डाटा कलेक्टेड फॉर डिफरेंट एज ग्रुप सच एज़ अलग अलग एज ग्रुप हैं जिसका डाटा कलेक्ट किया गया है देखिए एज ग्रुप बच्चों के है हैं से 20। वो लोग जो 10 से 20 की एज में आते हैं वो लोग जो 20 टू तो 30 ईयर के एज में आते हैं ठीक है जैसे अगर आप किस में आएंगे, फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, 30 टू तो 40 में आते हैं एंड सो ऑन ठीक है फॉर अ पर्टिकुलर एरिया इज गिवन अवॉफ फ्रॉम अ ग्राफ रीड द केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इस ग्राफ को अच्छे से पढ़िए समझिए और क्वेश्चंस के आंसर दिखिए पहले आपको थोड़ा सा ग्राफ दिखा दूँ मैं अच्छे से नीचे दे रखा है आपको एज ग्रुप टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू सॉरी जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी और लास्ट कितना है साठ से सत्तर साल तक के लोग और यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ पीपल कितने लोग हैं अगर हम देखेंगे साठ से सत्तर तो कितने लोग हैं पाँच सौ लोग यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल की बात कर रखी है अब आपको क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बोल रखा है फर्स्ट पार्ट में देखिए आपसे बोला है वट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल वट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल ऑफ यंगेस्ट एज ग्रुप ओवर द ओल्डेस्ट एज ग्रुप एंगेस्ट ओवर ओल्डेस्ट का क्या परसेंटेज है यंगेस्ट ओवर ओल्डेस्ट क्या परसेंटेज है वो आपको बताना है तो यू फर्स्ट यू हैव टू फाइंड यंगेस्ट एज ग्रुप में कितने लोग हैं उसके बाद ओल्डेस्ट में यंगेस्ट मतलब सबसे यंग तो यहाँ पे सबसे यंग कौन है जीरो से टेन तो ज़ीरो से टेन में बेटा देखिए यंगेस्ट ये वाला ग्रुप हो जाएगा इसमें कितने पीपल हैं सिक्सटीन हंड्रेड और ओल्डेस्ट का अगर मैं बात करूँ तो सिक्सटी टू सेवेंटी ये वाला हो जाएगा इसमें पाँच सौ है तो यंगेस्ट ओवर ओल्डेस्ट का आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे अगर आप यंगेस्ट ओवर ओल्डेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यंगेस्ट हमने क्या देखा 1600 और ओल्डेस्ट कितना है 500 और आपको बोला है परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100 सो so, ज़ीरो से आप ज़ीरो काट सकते हैं ठीक है और 1600, सौ सो को 1600 सो को पाँच से डिवाइड कर दीजिए जब 1600 सो को आप फाइव से डिवाइड करेंगे ठीक है 1600 सौ सो को 1600 डिवाइड बाय फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन एक बच्चा ज़ीरो थ्री पे आ, आपका थ्री पे आ जाएगा नाइन तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा तीन थ्री ट्वेंटी परसेंटेज तो ठीक थ्री ट्वेंटी परसेंटेज इज योर करेक्ट आंसर देखिए एग्जाम में आपको रफ में सॉल्व करना है सॉल्यूशन सॉल्व करके नहीं दिखाना है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आपको सिर्फ टिक करेक्ट करना होगा ठीक है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है फटाफट से रफ में कैलकुलेट करेंगे माइंड में कैलकुलेट कर पाते हैं तो अच्छी बात है वरना रफ में करिए और फटाफट टिक करिए वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हेल्दी पीपल फ्रॉम जीरो टू सेवेंटी ईयर्स यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ हेल्दी पीपल टोटल हेल्दी पीपल कितने हैं बेटा जीरो से सत्तर साल के तो ज़ीरो से सत्तर साल के मैं आपको एक बार अगेन ग्राफ पे ले चलती हूँ तो देखिए ज़ीरो से यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने लोग हैं तो यहाँ पे ये यह सारे लोगों को आपको एडअप करना है सब में समीशन लगा दीजिए प्लस 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 प्लस, प्लस यानी कि सिक्सटीन हंड्रेड प्लस फोर्टीन हंड्रेड ठीक है प्लस थर्टीन हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड प्लस इलेवन प्लस थाउजेंड तो जब आप ये पूरे डाटा को समप करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एट थाउजेंड हंड्रेड तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा एट थाउजेंड हंड्रेड तो इसे आप रफ में एडअप करके देख सकते हैं ऐसे भी एडअप कर सकते हैं सोलह प्लस पंद्रह प्लस बारह ठीक है नंबर्स को ऐड कर लीजिए बाद में हंड्रेड जोड़ दीजिए तो 18 आएगा आपका 81 वन ऑलराइट right, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी करेक्ट था क्वेश्चन थर्ड में बोला है फाइंड द टू कंजीक्यूटिव एज ग्रुप हैविंग मैक्सिमम डिफरेंस नंबर ऑफ पीपल तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है फाइंड आउट द टू कंजीकेटिव एज ग्रुप दो कंजीकेटिव एज ग्रुप बताइए कंजिकटिव द नंबर दैट कम जस्ट जस्ट आफ्टर पर्टिकुलर नंबर किसी नंबर के बाद जस्ट जो नंबर आता है उसे हम कंजुकेटिव बोलते हैं तो ऐसे दो एज ग्रुप बताने हैं आपको जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ पीपल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो चलिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ देखिए नंबर ऑफ पीपल्स को आपको देखना है नंबर ऑफ पीपल्स 1600 और 1400 कितना डिफरेंस है 200 1400 1300 कितना डिफरेंस है हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड एलेवन हंड्रेड हंड्रेड ठीक है यहाँ पे हंड्रेड पर यहाँ हज़ार और पाँच सौ तो यहाँ पे कितना है फाइव हंड्रेड का डिफरेंस है यानी कि पचास से साठ और साठ से सत्तर में मैक्सिमम डिफरेंस है तो यहाँ आपके थर्ड क्वेश्चन में पचास से साठ और साठ से सत्तर यानी कि जो ए ऑप्शन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्वेश्चन फोर्थ में आपसे बोला हुआ है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ हेल्दी पीपल इन एज ग्रुप टेन टू ट्वेंटी एंड फिफ्टी टू सिक्सटी टेन टू ट्वेंटी और फिफ्टी टू सिक्सटी में कितने पीपल हैं तो देखिए टेन टू ट्वेंटी में आपके कितने हैं टेन टू ट्वेंटी में आपके सिक्सटीन हंड्रेड हैं और फिफ्टी टू सिक्सटी में आपके कितने हैं थाउजेंड हैं तो जब आप इनको एडअप करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बोले टेन टू ट्वेंटी एंड फिफ्टी टू सिक्सटी सो यहाँ पे आपका बी आंसर जो है वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला हाउ मैनी एज ग्रुप हैव मोर देन इलेवन हंड्रेड हेल्दी पीपल कितनी फैमिलीज हैं जिसके ग्यारह सौ से कितने ग्रुप्स हैं जिसके 1100 से ज़्यादा हेल्दी पीपल हैं तो मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाऊंगी देखिए नंबर ऑफ पीपल मोर देन 1100 तो देखिए यहाँ पे तो एग्जैक्टली exactly 1100 है और हमें मोर देन बोला है तो 1200 1300 1400 1600 तो दे आर आर फोर ठीक है फोर फैमिलीज हैं जिसके एटीन फोर ग्रुप्स हैं सॉरी जिसमें ज़्यादा हैं इलेवन हंड्रेड से तो यहाँ पे आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है तो ए इज़ योर करेक्ट आंसर सो गाइज ये आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी सी वर्कशीट थी चलते फिरते भी आप कर लेंगे इसे सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड डोंट मिस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल